नमस्कार, मैं स्वाति, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मणिपुर घटना के विरोध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने निकाली रैली, सौंपा मांगों का ज्ञापन। मणिपुर घटना को लेकर जहां संसद में गतिरोध जारी है, वहीं सड़कों पर भी इसको लेकर विभिन्न संगठन विरोध दर्ज कर रहे हैं। मणिपुर घटना को लेकर लगातार विरोध सामने आ रहा है। 27 जुलाई को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने मणिपुर में हिंसा के बीच महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने की लोकतंत्र को शर्मनाक करने वाली घटना को तीखा विरोध किया है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने मणिपुर घटना सहित आदिवासियों के साथ हो रहे शोषण, अन्याय और अत्याचार को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद की। रैली निकालकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने बैनर तले में शासन के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और मांगों पर निराकरण नहीं होने पर आगामी 7 अगस्त को भारत बंद आंदोलन की चेतावनी दी है। जिसके बाद बताया कि मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। आज तक भारत देश में ऐसी घटना कभी देखने को नहीं मिली। आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया तथा निर्वस्त्र कर घुमाया जाना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना है। पूरे देश में आज आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार की घटनाएं हो रही है और सरकार मौन साधे बैठी है, जिससे साफ है कि सत्ताधारी सरकार के लिए आदिवासी केवल वोट बैंक है। लेकिन अब आदिवासी समाज जाग उठा है और अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज उठा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी सहित अनुसूचित जाति का भी शोषण किया जा रहा है। एक तरफ से अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों को दबाने और कुचलने का प्रयास सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यह प्रयास कभी सफल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि परिषद ने मणिपुर घटना सहित अन्य मांगों को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा है और यदि सरकार जल्द ही इन मांगों पर विचार नहीं करती है तो आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस, परसवाड़ा से उमेश बिसेन की रिपोर्ट।